अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और उम्मीद रखते हैं आप भी ठीक होंगे। तो मैं और मेरे सिस्टर आए हैं अभी पिस्ता हाउस पर, क्योंकि हमको लेना है यहाँ पर ब्रेड एंड बिस्किट वग़ैरह, क्योंकि हम जा रहे हैं मेरे मामू के घर, क्योंकि मेरे खाला की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर सी बात है लेकर ही जाना है। और हम पिस्ता हाउस आए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हम चाय नहीं पियेंगे, तो हम लोग चाय पी कर जाएँगे पिस्ता हाउस की। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से चाय पार्सल ले ली है और अब हम पी लेंगे। तो यहाँ पर मेरे जीजू है जो चाय डाल रहे हैं और हम सब लोगों ने चाय पी ली। चाय पी लेने के बाद हम लोग आ गए थे मेरे मामी मामू के घर पर और बैठे हम लोगों ने बातचीत की सब लोगों ने। बहुत दिन के बाद इस तरह एक जगह हुए थे। मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे ऑलरेडी हम लोगों से पहले। और इसके बाद मामी ने खाना वगैरह बनाया था, बघारा खाना एंड कोरमा, और बहुत ही टेस्टी था, वो खा लिए हम लोग। एंड उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। नेक्स्ट डे हो गया था फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर पर क्योंकि मेरे को मम्मी के साथ थोड़ा सा बाहर जाना था और मम्मी ने बनाई थी कॉफ़ी हम लोगों के लिए। थोड़ा सा बारिश का भी मौसम है, ठंडा भी मौसम है, तो इसीलिए हम लोगों ने कॉफ़ी पी ली। और अब मैं जाऊँगी शॉप पर। मैं यहाँ से लेने आई हूँ मेरे एक सूट का अस्तर, क्योंकि मेरे को स्टिच करने डालना है, क्योंकि मैं अपने स्पेशल डे पर वो पहनने वाली हूँ। वो क्या स्पेशल डे है मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। तो मैंने ले लिया है अस्तर और मैं इसको स्टिच करने डाल दूंगी बहुत जल्द। मेरे को थी एक मेहंदी की बुकिंग, उसके बाद तो मैं आ गई थी यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर इतना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। बिल्कुल एकदम यूनिक लग रहा था, येलो एंड पिंक कॉम्बिनेशन का पूरा डेकोरेशन था ये एंट्रेंस हाउस का, तो बहुत ही प्यारा था। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी बता देती हूँ, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और मैं अब आपसे मिलती हूँ बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा डिज़ाइन हो चुका है डन। आप लोगों को कैसा लगा मेरा डिज़ाइन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ पर एकदम बहुत सारे पटाखे कोई फोड़ रहे थे वहाँ पर, तो मैंने जल्दी से शूट कर लिया क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग तो घर आ गए थे। ये क्लिप बहुत दिन पहले की है, मैंने शूट करके रखा था लेकिन मैं भूल गई थी डालना, क्योंकि मैं बताना चाह रही थी कि अरहान अपनी खुदी से ख़ुद से नमाज़ पढ़ने लगे हैं, क्योंकि वो हमेशा मीकू या मेरे हस्बैंड को ही देखकर नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने एक कुछ दिन पहले अपनी खुदी से कंप्लीट नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और दुआ करिएगा हमारे लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।